डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी राठौर। आज मैं आपको देश की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जिसे देखकर आपको निराशा हाथ लगेगी। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। जी हाँ, सरकार ने राइट टू एजुकेशन के तहत सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा बुनियादी अधिकार के तौर पर शामिल किया है। यह बात अलग है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वीं कक्षा के 57% छात्रों को बेसिक मैथ्स ही नहीं आ रही है। इसके साथ ही 28% बच्चे किताबों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 के मुताबिक पहले की तुलना में शिक्षा के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन एक सच यह भी है कि कक्षा 8 के 56% बच्चे 3 अंकों के डिवीजन वाले सवालों को नहीं कर पा रहे हैं। कक्षा 5 के 72% बच्चों को 1 अंक के डिवीजन वाले सवाल ही नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही कक्षा 3 के 70% बच्चों को घटाने वाले सवाल ही नहीं आते हैं। ये शिक्षा व्यवस्था का नकारात्मक पक्ष है, लेकिन सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। 2010 में 84.6% स्कूलों को मिड डे मील में कवर किया गया था। अब ये दायरा बढ़कर 87.1% हो चुका है। 2010 में करीब 32% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था की थी और इसमें इजाफा हुआ है। अब करीब 66.4% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट हैं। ऐसा कहा जाता है कि कक्षा 2 के बाद बच्चों को आसान शब्दों को पढ़ने आना चाहिए। इसके साथ ही गणित के सामान्य सवाल जैसे जोड़, घटाना और गुणा आना चाहिए। लेकिन 2014 से 2018 के बीच की तस्वीर पर ये सर्वे किया गया है और इसकी रिपोर्ट चिंताजनक है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।